नमस्कार। रात के 8:50 हुए हैं। दिन भर के दौरान जब आप अपने कामकाज में व्यस्त थे, हमारे रिपोर्टर्स क्षेत्र भर की खबरों पर दौड़ रहे थे, उनकी निगाहें खबरों पर लगी थी। आइए देखते हैं दिन भर में क्या कुछ घटा जिले, शहर और क्षेत्र में। नमस्कार दर्शकों, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिश्रा। आइए नजर डाल लेते हैं आज की इस खास खबर पर। रामनवमी की शुरुआत होते ही अब शहर में प्रभात फेरी चालू हो गई है, जिसको लेकर रोजाना सुबह 8 बजे से चौक बाजार से ये रैली निकाली जाती है और यह शहर के अनेकों स्थान से रैली निकाल कर एक संदेश और भी दे रही है कि छतरपुर में मेडिकल कॉलेज आना चाहिए। अन्य संदेशों को लेकर भी ये रैली निकाली जा रही है। आगामी 25 मार्च को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की शोभा यात्रा निकाली जानी है। उस शोभा यात्रा के लिए यह प्रभात फेरी गांधी चौक बाजार से प्रतिदिन 7:30 बजे प्रारंभ होती है और यह विभिन्न नगर के मार्गों से होते हुए और चौक बाजार पर ही इसका समापन होता है। हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि यह प्रभात फेरी 18 तारीख से प्रारंभ हो चुकी है और इस प्रभात फेरी में प्रतिदिन सैकड़ों राम भक्त शामिल होते हैं। और इसके अलावा इसमें हमारी जो जिस नगर में हम रहते हैं, महाराजा छत्रसाल की नगरी में हम रहते हैं, तो आगामी 21 तारीख को उनके मूर्ति का अनावरण मऊसानिया में होने जा रहा है, तो एक इतिहास रचने जा रहा है। तो इसके साक्षी बनने के लिए भी हम सभी लोगों से आग्रह करते हैं कर रहे हैं कि अधिक से अधिक संख्या में मऊसानिया पहुँचें और इस अनावरण के कार्यक्रम में इस हम आप सभी को बताना चाहते हैं कि प्रभात फेरी में हम 2-3 मैसेज को लेकर चल रहे हैं, संदेश दे रहे हैं। एक तो मेडिकल कॉलेज के लिए, क्योंकि जिस तरह की इससे पिछले कई दिनों से मेडिकल कॉलेज की मांग चल रही है, तो हम सभी लोग इस प्रभात फेरी के माध्यम से भी लोगों को मेडिकल की मांग को लेकर प्रेरित कर रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिश्रा। आइए नजर डाल लेते हैं आज की इस खास खबर पर। चैत्र शुक्ल के हिंदू नववर्ष के शुरू होते ही आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा मेला ग्राउंड में एकत्रित होकर के एक संदेश दिया और साथ में हिंदू नववर्ष का पर्व मनाया। शहर के मेला ग्राउंड में आयोजित इस एकत्रीकरण में सैकड़ों स्वयंसेवक गणवेश के साथ ध्वज वंदना और के साथ संचालन करते हुए नजर आए। इस मौके पर आरएसएस के प्रांत प्रचारक श्री रंगराजे ने स्वयं सेवकों को संबोधित करते हुए बताया कि आज के दिन ही आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर हेड गेवार का जन्म हुआ था। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभम सोनी और आइए आपको दिखाते हैं इस बुलेटिन में खबर जो कि छतरपुर शहर से है। शहर में लगातार श्री राम जन्मोत्सव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और वहीं नवरात्रि के पहले दिन श्री राम सेवा समिति के द्वारा श्री राम दरबार सजाया गया। इस दरबार को शहर के मुख्य मार्ग चौक बाजार पर सजाया गया है। राम दरबार सेवा समिति द्वारा नवरात्र आरंभ के साथ श्री राम जन्मोत्सव को लेकर शहर के व्यस्ततम इलाके चौक बाजार पर श्री राम दरबार की प्रतिमा को विराजमान किया गया है। इस दरबार में भगवान राम, सीता माँ के साथ भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण के साथ पवनसुत हनुमान जी की प्रतिमा को दिखाया गया। कार्यक्रम कर रहे हैं, हम लोग से हम सभी धर्मियों से निवेदन है, आग्रह है शहरवासियों से, रात 8 बजे महाआरती होती है, उसमें जो सम्मिलित हम अयोध्या जैसा, मथुरा जैसा आनंदमय। ये दरबार रामनवमी के उपलक्ष्य में सजाया जाता है। कहते हैं कि अक्षय तृतीया मात प्रयुक्ता इस समय जो राम की सेवा करता है वह बहुत अच्छा फल प्राप्ति करता है। राम दरबार की प्रेरणा प्रभु ने खुद सपने में देकर के हम 5 व्यक्तियों को दी थी, हम लोग और लोग जुड़ते गए, इससे राम दरबार यहाँ पर प्रारंभ चौक बाजार में रखना प्रारंभ हुआ। आज 10 वर्षों से श्री राम दरबार सेवा समिति निरंतर जनमानस को दरबार के दर्शन करा रही है। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभम सोनी और आइए देख लेते हैं इस बुलेटिन में खबर जहां छतरपुर शहर में संचालित डिलाइट हायर सेकेंडरी इंग्लिश स्कूल द्वारा अभिभावक सम्मेलन का कार्यक्रम संपन्न किया गया।
स्कूल द्वारा चैत्र माह में हिंदू नव वर्ष के रूप में इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया, जिसमें अभिभावक सम्मेलन के साथ भजन संध्या के साथ में भारत माता की आरती भी की गई। पर स्कूली छात्र छात्राएं व शिक्षक आपसी बातचीत कर एक नए विषय को आयाम दें। बच्चों को पूरा समय नहीं दिए संस्कार सभ्यता और शिक्षा के लिए, तो कल जब हमारा वृद्धावस्था आएगा तो हम उम्मीद करें कि वो हमें समय दे तो कैसे दे। जो आपने बीज बोया होगा वही तो फल लगेगा। माँ बाप का पहला धर्म होता है कि वो बच्चों को जो भी संस्कार दे, माँ पहली गुरु होती है। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूँ शुभम सोनी और चलिए इस बुलेटिन में खबर देख लेते हैं, जहाँ पर चैत्र मास के पावन अवसर पर हिंदू नव वर्ष के साथ में पतंजलि महिलाओं द्वारा राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में इसका आयोजन किया गया। डॉक्टर शकुंतला चौबे, अंजना चतुर्वेदी के साथ सुधा पौराणिक मूल रूप से उपस्थित रहे, जहाँ हस्त कमलों से गणेश जी को माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया। कार्यक्रम की शुरुआत नन्ही प्यारी बच्चियों के साथ सरस्वती माँ की वंदना के साथ की गई। अतिथि एवं समाज सेवी बहनों के द्वारा नारी शक्ति को मजबूत बनाने और बच्चियों को आगे बढ़ाने का रास्ता योग्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में व अन्य क्षेत्रों में अपना कदम बढ़ाने हेतु प्रोत्साहित भी किया गया। सभी ने योग स्वदेशी वस्तु में अपनाने में अपने अपने अनुभवों को व्यक्त किए। वहीं कार्यक्रम में अनेक प्रकार की स्पर्धाएं भी कराई गई, जिसमें प्रतियोगिताएं कई प्रकार की रखी गई, जिसमें निखरकर आए प्रतियोगियों द्वारा विजेता को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र देकर उन्हें पुरस्कृत व उत्साहित किया गया। लक्ष्मण रेखा पाठ नहीं करनी है, इस बात को उसे विशेष ध्यान रखना है, लेकिन उसे अपने योग्यता का, अपनी क्षमताओं का, अपनी विशेषता का भी विकास करना है, उसे आगे भी बढ़ना है। पुरुषों से उस कंधा मिलाकर चले, लेकिन एक थोड़ी सी दूरी बहुत जरूरी होती है, एक मर्यादा बहुत जरूरी होती है। लक्ष्मण रेखा जो खींची गई है वह कोई बंधन नहीं है। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूँ शुभम सोनी और चलिए इस बुलेटिन में आपको खबर दिखाते हैं जो कि शहर से है। शहर के सिविल लाइन थाना अंतर्गत शिवनगर कॉलोनी निवासी उपासना देवलिया अपने पति के साथ दर्शन करने के लिए अटरा सरकार गई हुई थी। जब वो लौटकर अपने घर के लिए आ रही थी, तभी बीच रास्ते में सियार के आ जाने के कारण मोटरसाइकिल अनियंत्रित हो गई, जिसके कारण महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर महिला का इलाज लगातार चल रहा है। जी, 108 से कॉल आया था कि 18 सरकार के पास एक्सीडेंट हुआ है, तो वहां पे हम लोग सीन पे पहुंचे तो देखा कि एक महिला और उसके मिस्टर दोनों लोग घायल थे। गाड़ी सियार बचाने के चक्कर में डिसबैलेंस हो गई, जिससे महिला को कमर में एवं हाथ पैरों में उनके पति को, दोनों लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूँ शुभम सोनी और चलिए इस बुलेटिन में आपको दिखाते हैं खास खबर, जहाँ अगर लोग के पास अगर जुनून हो तो चाहे जो कर सकते हैं। एक ऐसा ही मंजर हमारे सामने आया जो कि शहर से लगे हुए ग्राम चौका से है। चौका निवासी राजेंद्र सिंह, जो कि अपना दिनचर्या में देखा जाए तो दूध बांटने का काम करते हैं, जिसके साथ दूध बांटने समय अपनी मोटरसाइकिल में राजनीतिक दल को अपने साथ में लेकर कांग्रेस पार्टी का झंडा भी लहराते हुए दिखते हैं। किसी राजनीतिक विचारधारा के प्रति समर्पण और राजनीतिक महत्वाकांक्षी के लिए हद दर्जे के लिए जुनून की मिसाल बने हुए हैं ग्राम पंचायत चौका निवासी राजेंद्र सिंह, जिन्होंने ज्योग्राफी से एमए कर वर्तमान में एलएलबी की अभी पढ़ाई कर रहे हैं। जिनका कहना है, हाल ही में बिजावर विधानसभा क्षेत्र से विधायक का चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी को अपना आवेदन भी यह भेज चुके हैं। कांग्रेस की नई नियमावली के मुताबिक टिकट मांग रहे हैं, लोगों को लगभग 50,000 रुपये से पार्टी कोष में जमा करने के लिए भी इन्होंने अपने आपसी आसपास में रहने वाले दोस्तों रिश्तेदारों से आर्थिक मदद के लिए कुछ राशि के लिए भी मांग की, जिस पर रिश्तेदारों से कर्ज लेते हुए आवेदन के साथ यह राशि इन्होंने भोपाल में भी जमा कर दी है। जानकारी के मुताबिक देखने वाली बात है, शहर में जिस बाइक से दूध बेचने आते हैं उसमें हमेशा कांग्रेस का झंडा लगा रहता है, दिन में एक बार कांग्रेस कार्यालय भी इनका जरूरी होता है आना जाना।
वरिष्ठ नेताओं के कार्यक्रमों में हिस्सा भी लेते हैं। खादी के कुर्ते व पैजामा और सिर पर गांधी टोपी लिए हुए एक अपनी अलौकिक पहचान में इस व्यक्ति को देखा जा सकता है। और इनका साफ तौर पर कहना है कि देश को आगे ले जाने के लिए एक कांग्रेसी राजनीतिक दल ऐसा है जो कि आगे ले जा सकता है। आगामी 2018 में विधानसभा चुनाव है और चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी द्वारा भी एक नया रूल अपना दिया गया है। इस बार कहा गया है कि जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं वह कुछ राशि जो डिमांड ड्राफ्ट के जरिए वह जमा करें। छतरपुर में भी बिजावर क्षेत्र से विधायकी के लिए दावेदार जो राजेंद्र सिंह हैं, ये चौका के निवासी हैं, इनसे बात करेंगे। इनकी जो कहानी है वह किस तरह है और कैसे इन्हें जुनून आया ये चुनाव लड़ने का। राजन जी, पहले तो ये बताएं कैसे सोचा आपने चुनाव लड़ने का, ऐसा पारिवारिक क्या है आपका बैकग्राउंड चुनाव? बैकग्राउंड मेरा कुछ भी नहीं है, मेरे पिताजी एक साधारण कृषक हैं और एक ईमानदार व्यक्ति हैं, क्षेत्र के सामाजिक व्यक्ति हैं। और क्योंकि हमारे गांव में एक विशेष परिवार का चलन काफ़ी समय से है, विगत 50 वर्ष से है, और उनके कुछ सिद्धांत, उनकी कुछ बातें हमें पसंद नहीं थी। उसी के तारतम्य में जब सामान्य पंचायत हुई तो मैंने अपने पिताजी का आवेदन करवाया सरपंची में और मैं वो चुनाव हार गया। उसके बाद पुनः सामान्य सीट आई, इस बार मैंने अपनी पत्नी का आवेदन करवाया और इस बार भी मैं कम अंतर से पराजित हुआ। उसी समय कुछ लोगों ने तंज कसा मेरे ऊपर कि इन्हें सरपंच बनना है और इनकी औकात सरपंच बनने की है, तो मैंने कहा भाई सेवा करनी है लोगों की, आप लोग सेवा का अवसर नहीं देंगे तो मैं ज़िले में जाके सेवा करूंगा। मैंने तो व्रत ले लिया है कि जीवन ये लोगों की सेवा के बीच गुजारना है। क्या काम करते हैं आप? मैं खेती भी करता हूं और साथ में डेयरी का छोटा सा काम है, 5-6 भैंसे हैं, उनका पालन पोषण करके और उनका दूध बेच के अपने जीवन का पालन करता हूं। कि कल को अगर मैं दुनिया से चला जाऊं तो मेरे ऊपर कफन की जगह कांग्रेस का झंडा उड़ा के मुझे दुनिया से विदा कर दें। ऐसे कम कार्यकर्ता मिलेंगे जो कांग्रेस के लिए तन मन धन से समर्पित रहेंगे, और इन्होंने जैसा कहा है कि चुनाव में यदि पार्टी टिकट भी नहीं देगी तो जिसको टिकट मिलेगी उसका समर्थन करेंगे। ऐसे छतरपुर में ये विधानसभा चुनाव के लिए जो है जो राजेंद्र सिंह हैं, ये चुनाव लड़ने के लिए इनने अपनी दावेदारी की है और ये भोपाल में कांग्रेस कार्यालय जाकर अपना जो ड्राफ्ट है वह जमा करेंगे। सुबोध त्रिपाठी, पेप्टिक टाइम। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है, मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिया है कि पुलिस को गुंडों और मनचलों के ऊपर तत्काल कार्रवाई करनी है जिससे कि इन पर लगाम लगाई जा सके। इसका तत्काल असर छतरपुर में भी देखने को मिला। छतरपुर में लगभग आधा दर्जन गुंडों को पुलिस ने पकड़ा और उसके बाद सिटी कोतवाली थाने से लेकर छत्रसाल चौराहे तक परेड भी करवाई। परेड कराने के बाद छत्रसाल चौराहे पर इन गुंडों की अच्छी खासी क्लास भी ली गई। इस मौके पर सीएसपी राकेश शंखवार, टीआई सिटी कोतवाली संदीप चौधरी सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद था। गुंडों और अपराधियों में दहशत लाने के उद्देश्य से इस तरह की कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। मुख्यमंत्री द्वारा भी इस तरह के निर्देश जारी किए गए हैं। पूरे प्रदेश में गुंडा विरोधी अभियान चलाया जा रहा है, इसमें विशेषतः महिला सुरक्षा को लेकर ये कार्रवाई की जा रही है। जो लड़के कोचिंग स्कूल के आसपास खड़े होकर छेड़छाड़ कर रहे हैं उनको पकड़कर बंद किया जा रहा है, ये कार्रवाई। कितने आरोपियों को निकाला गया है? 5 लोगों को आज पकड़ा गया और जेल में जाएगा। इन पर किस तरीके के मामले दर्ज? क्या हुआ? अलग अलग धाराओं में कार्रवाई की गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दिन भर, मैं हूँ शिवेंद्र शुक्ला। इस बुलेटिन में हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से नए अस्पताल बिल्डिंग की सुंदरता पर ग्रहण बनकर बैठा हुआ है पुराना पोस्ट ऑफिस। जी हाँ, नए जिला अस्पताल की बिल्डिंग बनकर लगभग तैयार हो चुकी है, लेकिन इसके सामने जहाँ पार्किंग की व्यवस्था होनी है वहाँ अभी भी एक बिल्डिंग जो कि पुरानी है और जर्जर अवस्था में है टिकी हुई है। दरअसल कुछ सालों पहले यहाँ पर रात्रिकालीन पोस्ट ऑफिस चलता था, इसके बाद कुछ साल पहले ये व्यवस्था बंद कर दी गई और अब बिल्डिंग ज्यों का त्यों है। ये बिल्डिंग अगर यहाँ से अलग हो जाती है, इसको हटा दिया जाता है, तो अच्छा खासा मैदान पार्किंग के लिए जिला अस्पताल के लिए हो जाएगा, लेकिन अभी यहाँ पर कोई भी इस तरह की कार्यवाही नहीं की गई है। 32 करोड़ की लागत से 5 मंजिला जिला अस्पताल का निर्माण हो चुका है, जो PIU कंपनी के द्वारा ये निर्माण किया जा रहा था। जो यहाँ पर जो 5 मंजिला अस्पताल है इसमें उत्तम व्यवस्थाएं हैं, लेकिन यहाँ पर हम बात की जाए तो जब पेपटेक की टीम ने जाकर वहाँ देखा तो
पार्किंग की व्यवस्था की बात करें तो 300 मोटरसाइकिल और चार पहिया वाहन की बात करें तो 200 चार पहिया वाहन की व्यवस्था रहेगी। यहां पर एक बात करें तो जो पुराना पोस्ट ऑफिस है, जिला अस्पताल की सुंदरता पर ग्रहण नज़र आ रहा है। पुराना पोस्ट ऑफिस जीर्ण शीर्ण हालत में ये बना हुआ है, लेकिन नेताओं और प्रशासन की उदासीनता के चलते वह अभी तक धराशायी नहीं किया गया है और जो वर्तमान में बंद डला हुआ है। अब देखना यह होगा कि जो जिला अस्पताल की एक अच्छी सुसज्जित बिल्डिंग बन रही है, इसके लिए जो ये ग्रहण जो नज़र आ रहा है, ये पुराना पोस्ट ऑफिस, ये कब तक गिरता है। पेप्टिक टाइम के लिए सुबोध त्रिपाठी। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है, मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। बमीठा थाना क्षेत्र में पानी के लिए लोगों का रद्द जगह शुरू हो गया है। यूं तो कहने को ग्राम पंचायतों को तमाम अधिकार दिए गए हैं, लेकिन उनका कहना है कि बजट के अभाव में वे पानी की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। बमीठा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत सलैया में 5 गांव आते हैं जिनको मिलाकर 16 हैंडपंप हैं, जिनमें से अधिकांश हैंडपंप खराब पड़े हुए हैं। कई हैंडपंप में 2 घंटे चलाने के बाद एक डिब्बा यानी कि लगभग 15 से 20 लीटर पानी निकलता है और कई हैंडपंप 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर हैं जो पानी दे रहे हैं, इसलिए गाँव वालों को इतनी दूरी तय करना पड़ती है। गाँव वालों का कहना है कि वे रात रात भर जाकर पानी का इंतजाम करते हैं। हालांकि पहले यहां बैलगाड़ी से लोग पानी ढोने का काम करते थे, बाद में टैंकरों से पानी की सप्लाई शुरू हो गई, लेकिन पिछले 2 सालों से टैंकरों की सप्लाई भी बंद है। सरपंच प्रियंका पांडे से जब इस मामले बात की गई तो प्रियंका पांडे का कहना था कि 2 साल से पानी परिवहन की राशि नहीं मिली है, इस वजह से टैंकर भी बंद है। तो ये हाल है गाँवों का, जहाँ पानी की किल्लत इस कदर है कि लोग 3-3 किलोमीटर और रात रात भर जाकर पानी लाने को मजबूर हैं, लेकिन ना तो प्रशासनिक अधिकारी और ना ही जनप्रतिनिधि इस दिशा में कुछ भी सोच रहे हैं। या तो वे खेल प्रतियोगिता कराने में व्यस्त हैं या फिर फीता काटने और शिलान्यास करने में। जनता की इस परेशानी से उनका दूर दूर तक कोई भी वास्ता समझ में नहीं आता। अच्छा, यहाँ कितने हैंडपंप हैं? 11। कितने पानी देते हैं? 2-2.5। इसमें एक डब्बा कितने घंटे में पानी भर पाता है? 2-2.5 घंटा में। और पहले कैसे सप्लाई होती थी पानी? बैलगाड़ी से। अब कितने दिन से नहीं हुई है? अब नहीं भाई, बहुत ही देर। टैंकर से? अब टैंकर से 2 साल से नहीं भाई, पानी की जगह के प्यास नहीं चलता आदमी। 2-2.5 घंटा तक बैठे रात हो और रात भर जो है जनता बैठे, रात भर चलाओ सो नहीं पाओ, रात भर बैठे जनता थे नल पे। अब पहले तो बैलगाड़ी से बता रहे जेठे से आने के, बैलगाड़ी से ले आते, साइकिल से ले आते, अब साइकिल चलन लगी। टैंकर से हो तो है, लेकिन अब पैसा ली भाई टैंकर से, आसों का पता होत क्या नहीं होत। यहाँ पे देखिए एक ही नल चालू है आदिवासियों का, वो भी कितनी भीड़ लगी है। अभी रात में 2-2 बजे तक पानी भरते हैं लोग बाग। यहाँ पे पानी की बहुत गंभीर समस्या है, जिला का सबसे सूखा हमारा गाँव है। पहले बहुत पहले टैंकर, पानी के टैंकर चलते थे, अब शासन द्वारा वो भी बंद कर दिए गए हैं। यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, यहाँ पर जितने नल हैं सब खराब पड़े हैं, केवल 4-5 चालू हैं इसमें। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है, मैं हूँ शिवेंद्र शुक्ला। नौगांव के सेक्स रैकेट सरगन आकाश तिवारी पर अब प्रशासन द्वारा रासुका की कार्रवाई की गई है। गौरतलब है कि लगभग 1.5 महीने पहले नौगांव स्थित उसके मकान पर जनता ने ही छापा मार कार्रवाई की थी और यहां से 3 लड़कियां पुलिस को बरामद कराई गई थी। इसके बाद ये अपनी पत्नी के साथ फरार हो गया था। बाद में आकाश तिवारी ने पत्नी सहित अदालत में आत्मसमर्पण किया। हालांकि ये बात जरूर सोचने लायक है कि आत्मसमर्पण के दौरान भी पुलिस ने अदालत से रिमांड नहीं मांगी। गुप्त सूत्र बताते हैं कि इस रिमांड की वजह से या उसके पूछताछ के बाद कई रसूखदार लोगों के नाम सामने ना आ जाएं, इसलिए पुलिस पर भी दबाव था और इसी के चलते पुलिस ने इतने बड़े सेक्स रैकेट सरगना की रिमांड नहीं ली और उसे सीधे जेल जाने दिया। इस मामले में अब रासुका की कार्यवाही की गई है। खबर दिनभर में दिनभर के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। फिलहाल अनुमति दीजिए, नमस्कार।